नमस्कार दोस्तों, 14 अगस्त 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला आर्टिकल स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, नीचे सब हेडिंग देखिए, इफ दे हैड सम ऑटोनॉमी मेनी विलेज स्कूल्स वुड हैव फाउंड लोकल कंडीशंस नाउ गुड इनफ टू अलाउ चिल्ड्रन टू स्टडी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट क्यों होता है दोस्तों, चूंकि आप देखिए इसके ऑथर कौन है। ऑथर है कृष्ण कुमार जी, जो पहले डायरेक्टर रह चुके हैं एनसीईआरटी के, तो इनकी जो व्यूज है एजुकेशन को लेकर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इन्होंने एजुकेशनल फ्लॉज निकाले हैं। इन्होंने बताया है कि कैसे जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है हमारे स्कूल्स का, चाहे वो अर्बन एरिया के स्कूल हो चाहे वो रूरल एरिया के स्कूल हो, उन्होंने हमारे स्कूल्स की फंक्शनिंग को लेथार्जिक कर दिया है, धीमा कर दिया है, इनएफेक्टिव कर दिया है। साथ साथ इस COVID-19 के पैंडेमिक के चैलेंजेस को देखते हुए कृष्ण कुमार जी ने यहाँ पे ये बताया कि अगर हमारे स्कूलों को थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाती तो इस समय पे जो हमारी रूरल सेटिंग है वहां पे पढ़ाई को थोड़ा हम और एफिशिएंट तरीके से करवा पाते, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो इनके व्यू पॉइंट्स को भी देखेंगे। फिर आगे चलते हैं द चैलेंजेस इन काउंटिंग द डेड। जब भी डेड को काउंट करने की बात आ रही है, खासकर COVID-19 की क्राइसिस में, हमेशा सवाल उठाए जाते हैं गवर्नमेंट पे। यहाँ पे इन्होंने 3-4 तरीके देखे दोस्तों बताए। एक तो इन्होंने केस फैटलिटी रेट बताया, एक इन्होंने इन्फेक्शन फैटलिटी रेट बताया, सेरो प्रेविलेंस स्टडीज कितनी इफेक्टिव है कितनी इफेक्टिव नहीं है ये बताया हुआ। और इन सब के आधार पर इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग हमारे यहाँ पे जो COVID-19 की डेथ्स की रिपोर्टिंग है उसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। अभी की जो रिपोर्टिंग है उसमें क्या परेशानियां हैं, जो अलग अलग बीमारी है उनकी फर्टिलिटी रेट कितनी है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे कुछ बातें करी गई, कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए, उन स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। फिर राइट बाई बर्थ, सुप्रीम कोर्ट का अभी अभी एक डिसीजन आया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में 2005 में कुछ चेंजेस किए गए थे। उन 2005 के चेंजेस के बाद भी कहा जाता है कि इस हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ कमियां थी, उन कमियों को अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू हटा दिया गया। इसे देखेंगे यहाँ पे। ये जो कोपर सेंडरी नाम का जो शब्द आपके सामने लिखा है जिसकी मीनिंग समझने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। आगे चलते हैं हिस्टोरिक रेटिफिकेशन। देखिए एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन 182। ये कन्वेंशन 182 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन है। रिसेंटली इसको किंगडम ऑफ टोंगा ने भी रेटिफाई कर दिया। अब जब किंगडम ऑफ टोंगा ने कन्वेंशन 182 को रेटिफाई किया, उसके बाद कन्वेंशन 182 एक ऐसा कन्वेंशन बन गया है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में सारी जो कंट्रीज आईएलओ की मेंबर्स हैं उन्होंने रेटिफाई किया, यानी आईएलओ के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने सबने कन्वेंशन 182 को रेटिफाई कर दिया। जब बात हो रही है किंगडम ऑफ टोंगा की, तो देखिए ये आपको नजर आ रहा है वर्ल्ड मैप, इंडिया भी नजर आ रहा है। अब हम लोग किंगडम ऑफ टोंगा को ढूंढे अगर, तो इधर आते हैं। ये जो रेड रंग का आपको डॉट दिख रहा है, आपको ये पैसिफिक ओशन में नजर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। इसको आप जूम करते चले जाइए तो आप पहुंच जाएंगे किंगडम ऑफ टोंगा। ये छोटी सी कंट्री है, एक छोटा सा आइलैंड कह लीजिए, बिल्कुल पैसिफिक ओशन के बीच में। ओके, दिस इज बेसिकली किंगडम ऑफ टोंगा। यहां से ये डिसीजन आया है, एक वेलकम डिसीजन इसको माना गया। आगे चलते हैं। एक ये वाला जो आर्टिकल, शुड अर्ली चाइल्ड केयर सेंटर्स बी ओपन सूनर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। देखिए लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद वर्क फ्रॉम होम पे ध्यान दिया गया, लेकिन देखिए बहुत सारी ऐसी नौकरियां हैं जहां पे लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, तो अगर उनको पैसे कमाने हैं तो उनको ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा और उनको ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो उस केसेस में ये जो माँ बाप है जो ऑफिस जा रहे हैं उनके बच्चे क्या करें। पहले तो वो अपने बच्चों को जो डेली सेंटर्स चलते हैं जहां पे बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है, आंगनवाड़ी भेज देते थे। तो मतलब होता है ना कि अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए अगर माँ बाप मान लीजिए काम पे गए हैं तो बच्चों को किसी सेंटर में छोड़ के जाते, तो सेंटर में बच्चों की देखरेख होती थी, शाम को बच्चों को वहां से उठा लेते थे। तो आंगनवाड़ी और ऐसे बहुत से सेंटर्स काम करते हैं, रूरल इलाकों में आंगनवाड़ी, अर्बन इलाकों में उनके अलग अलग नाम होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं कुछ सरकारी होते हैं। यहाँ पे जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के बस ये बातचीत कर रहे हैं कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के सेंटर्स हैं इनको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए जो स्कूल्स हैं, अच्छा अर्ली चाइल्डहुड केयर में आंगनवाड़ीज भी हो सकती है रूरल इलाके में, और जब माँ बाप काम करने जाते थे तो अर्बन इलाके में लोग स्कूल भी चले जाते थे, और स्कूल से शाम तक आते थे तो माँ बाप आपस में सेटिंग कर लेते थे कि कहाँ भाई कोई एक बच्चे को देख लेगा। इस तरीके की चीजें बंद हो गई हैं। तो यहाँ पे दो लोग, एक माया गायतोंडे जी और एक के शान मुगा वेले यूथम, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि स्कूल्स और आंगनवाड़ी को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। बहुत ही सिंपल से पॉइंट, आप खुद पढ़ के भी इसको समझ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं किया। ये जो आर्टिकल है इंडिपेंडेंट बट नॉट अलोन,
इसको लिखा है बेन वेलेस जी ने, यूनाइटेड किंगडम की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है। ये जो इंडिया की आर्म फोर्सेज उनकी ताकत को बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे इंडिया की आर्म फोर्सेज ने ब्रिटिशर्स की आर्मी की मदद की। जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी ये पूरी दुनिया में ब्रिटिश के बिहाफ पे लड़ी 1939 से लेकर 1945 के टाइम पीरियड में। जो इविल एक्सिस पावर्स थी, एक्सिस पावर्स में कौन कौन आती थी, इटली, जर्मनी, इटली, आप पता है ना रोम बर्लिन एक्सिस, मुसोलिनी था इटली में, जर्मनी में था हिटलर, इन्होंने तरकाट मचा रखा था, ये एक्सिस पावर्स थी, इनके खिलाफ लड़ रहा था इंग्लैंड और यूएसए, यूएसए तो खैर थोड़ा लेट आया था। तो ये बताया जा रहा है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इनके खिलाफ लड़ने में बहुत मेजर रोल प्ले किया है, बस इस आर्टिकल में ये बात कही गई है। तो हाँ, अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, ब्रिटेन ने क्या गलत किया उसके बारे में यहाँ कुछ नहीं बोला गया, बट हाँ अभी पुराने रिश्तों के आधार पर इंडिया ब्रिटेन के करंट रिलेशंस को सुधारने की बात करी गई। जनरल से पॉइंट्स हैं, देख लेंगे। लिमिट्स ऑफ रेशियल पॉलिटिक्स, देखिए ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वैसे तो कुछ बहुत ज्यादा पॉइंट्स इसमें नहीं दिए हैं, बट इसमें ये बताया गया है कि ये जो डेमोक्रेटिक सेनेटर है कैलिफोर्निया से, कमला हैरिस जी, जिनको वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनाया गया, ऐसे बहुत से इंडियन अमेरिकन हैं जो कि इस समय पे यूएस की पॉलिटिक्स में बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। और ये जो इंडियन अमेरिकन है ना, एक तरीके से देखोगे आपको लगेगा कि हाँ भाई इंडियन अमेरिकन यूएस की पॉलिटिक्स में ऊपर उठ रहे हैं तो वो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, इन इंडियन अमेरिकन के जो व्यूज हैं और जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट है इनके जो व्यूज हैं थोड़े अलग हैं। ये जो इंडियन अमेरिकन हैं जो कि अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, जो जाके ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं, उनका जो व्यू है इंडिया की पॉलिसीज की तरफ, जैसे कश्मीर में जो सेग्रीगेशन हुआ उसकी तरफ, फिर आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास कराया उसकी तरफ, वो काफी निगेटिव है। तो यहां पर यह बोला गया कि रेशियल पॉलिटिक्स अब गलत हो रही है, ये जो इंडियन अमेरिकन लीडर्स ये जो डेमोक्रेट पार्टी में ऊपर उठ के आ रहे हैं, रेशियल पॉलिटिक्स से ज्यादा ये अपनी पॉलिसीज के दम पे, ओके, नेशनलिज्म के दम पे और अपने काम के दम पे ऊपर उठ के आ रहे हैं। और कैसे इनका ऊपर उठ के आना इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बातचीत करी जा रही है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो की अगर नोटिफिकेशन नहीं जा रही हो तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। सबसे पहला आर्टिकल, स्कूल्स विदाउट फ्रीडम, If they had some autonomy, many village schools would have found local conditions now good enough to allow children to study. देखते हैं भाई यहां पे शुरुआत कैसे की जा रही है। शुरुआत में ऑथर समा कैसे मान रहा है, ऑथर ये बताता है कि मान लीजिए किसी का घर टूट जाता है, दीवार में कोई चटकन आ जाती है या कुछ भी हो जाता है और उसको रिपेयर कराना है, बट उसको रिपेयर कराने में देरी हो रही है तो वो और खराब होता जाएगा और उस घर के अंदर रहने वाले लोग और डरते जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई हाउस मेंटेन नहीं है, कभी भी ऊपर की दीवार गिर सकती है। तो कोई भी चीज अगर गलत है तो उसको रिपेयर कराना बहुत जरूरी है, और यही चीज इंडिया के एजुकेशन में है। इंडिया की एजुकेशन का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो गलत है। जरूरी यह है कि उनको लोकल फैक्टर्स के हिसाब से रीओरियंट किया जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और डिसेंट्रलाइजेशन हो नहीं रहा है। हो सकता है आगे आने वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हो, बट वो देखना अभी बाकी है। फिर आगे ऑथर क्या कह रहे हैं, क्रेविंग फॉर अ मॉडेस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमी यूनाइट्स प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स अक्रॉस द शार्पली डिवाइडेड सेगमेंट्स ऑफ आवर वास्ट नेटवर्क्स ऑफ स्कूल। देखिए, शार्पली डिवाइडेड सेगमेंट्स ऑफ आवर वास्ट नेटवर्क्स ऑफ स्कूल, ये तो देखिए होना ही है। इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने अलग अलग कल्चर, इतने अलग अलग रीजन्स, उन रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस, तो जो हमारा एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो स्कूल्स हमारे पूरे देश में हैं, लेकिन उन स्कूलों में जो भी टीचर काम करते हैं, जो भी प्रिंसिपल काम करते हैं, वो सब लोगों के बीच में एक चीज कॉमन है कि भाई वो थोड़ी ऑटोनॉमी चाहते हैं, बट एक्चुअली में उनको ऑटोनॉमी मिल नहीं रही है। आप देखिए दोस्तों, कि जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो गवर्नमेंट रन स्कूल में काम करते हैं, इनकी फ्रीडम के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है रूल बुक में। ब्रिटिश के राज के दौरान से ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो स्कूल वालों को थोड़ा डीपेस्ट सस्पिशन से देखती थी। क्या होता था, ब्रिटेन के टाइम पे जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो जब भी स्कूल्स को देखते थे, स्कूल्स की फंक्शनिंग को बहुत ध्यान से एनालाइज करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इन स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत हद तक अफेक्ट करेगा ब्रिटिश राज को। अगर इन स्कूलों में ये पढ़ाया जाएगा कि हाँ भाई ब्रिटिश राज बहुत अच्छा है, ये ब्रिटिशर्स लोग हमारी मदद करने के लिए आए हैं, तो ये लोग हमारे गुलाम आसानी से बन जाएंगे, और अगर इन स्कूलों में ये पढ़ा जाएगा कि ये ब्रिटिश राज एलियन है, इनको निकाल के बाहर फेंकना है, तो यहाँ पे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज जन्मेंगे। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स थे, वो जो स्कूल के अंदर लोग काम करते थे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स, उनके ऊपर बहुत टाइट कंट्रोल रखते थे।
क्योंकि अगर आपने राज को स्थापित करना है तो नीचे के बच्चों को जो सिखाया जा रहा है वो ये सिखाया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे माई बाप हैं, इनके गुलाम बनना है हमको। अब वो जो ब्रिटिश सस्पिशन था वो अभी भी चल रहा है दोस्तों। आज की डेट में भी जो हमारे स्कूल्स हैं, खासकर जो हमारे गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं, वो ऊपर जो नियम बनाए जाते हैं उनके हिसाब से ही चलते हैं। तो ऑर्डर्स और सर्कुलर्स इशू किए जाते हैं डायरेक्टोरेट में, एग्जामिनेशन बोर्ड जो भी नियम कानून बनाता है इन सब को स्कूल के जो भी सीनियर्स हैं, चाहे वो सीनियर टीचर हो चाहे वो सीनियर प्रिंसिपल हो, फॉलो करते हैं बिना कोई सवाल किए। वो चीज इफेक्टिव हो ना हो, एफिशिएंट हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हो गई गवर्नमेंट स्कूल की बात। अब हम बात करते हैं प्राइवेट स्कूल की। देखिए प्राइवेट स्कूलों के ऊपर गवर्नमेंट तो नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो टीचर्स हैं प्रिंसिपल्स हैं उनके ऊपर कुछ एडिशनल प्लेयर्स होते हैं और ये एडिशनल प्लेयर्स काम करते हैं कॉमर्शियल बेसिस पे। तो बहुत सारे स्कूल ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। अब इन स्कूल ओनर और मैनेजर का जो एक्सपीरियंस है टीचिंग के फील्ड में, जो इनकी प्रोफेशनल नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है, और इसीलिए जब इनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है तो ये जो टीचर की, प्रिंसिपल की और टीचर्स की जो नॉलेज होते हैं उसको वैल्यू नहीं देते। तो एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर कितना पढ़ा लिखा है, एक टीचर की मैनेजमेंट स्किल्स कितनी तगड़ी है, उसकी प्रोफेशनल नॉलेज कितनी अच्छी है, इस बात से उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे मैनेजमेंट कमिटीज में, पेरेंट्स के साथ बैठ के बातचीत करेंगे, जो भी गवर्नमेंट के और डायरेक्टोरेट्स के ओवरऑल गाइडलाइंस है उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के गवर्नमेंट में तो आपको गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस की बात माननी है, और प्राइवेट स्कूल में जो प्रिंसिपल टीचर्स हैं उनको जो प्राइवेट अथॉरिटीज हैं, जो प्राइवेट ओनर्स हैं स्कूल के, उनकी बात माननी। और काम दोनों एक ही तरीके से कर रहे हैं, मतलब सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। ऊपर कुछ लोग बैठे हैं और वो नीचे वाले लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, भले ही उन ऊपर वाले लोगों को इतना आइडिया हो नहीं कि नीचे काम कैसे होता है। नीचे काम कैसे होता है तो टीचर को पता है ना, प्रिंसिपल को पता है ना, टीचर और प्रिंसिपल को पता है कि भाई बच्चा कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। अब अगर वो किसी एक सेटिंग में कुछ सीख ही नहीं रहा तो उसको बदलने की जरूरत है, और बदलने की परमिशन ना टीचर को है ना प्रिंसिपल को। और इस ऑलरेडी फ्रैक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम के बीच में आ गया हमारा COVID-19 का आउटब्रेक। शुरुआत में जो COVID-19 का आउटब्रेक था वो मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड था, अब वो हमारा जो हिंटरलैंड है, जो रूरल इलाका है, जो सब अर्बन इलाका है, वहां पे अब ये वायरस धीरे धीरे पहुंच रहा है। अब भाई ये जो वायरस है वो हमारे विलेजेस को कैसे अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए हमारे सामने अभी कोई खास पुख्ता डाटा आया नहीं है। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं। अब आप एक सिंगल पैमाने पे इन 6 लाख विलेजेस की रिपोर्टिंग कर नहीं सकते। सबकी अलग ज्योग्राफी है, सबके यहाँ फाइनेंशियल स्टेटसेस अलग है, सबके यहाँ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स अलग है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स अलग है। तो केरला जैसे स्टेट्स के अगर आप गांव में चले जाओगे तो वहां पे आपको हेल्थ स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे मिलेंगे, जो उनके प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं वो ज्यादा इक्विप्ड होंगे। वहीं की यूपी या बिहार के किसी गांव में चले जाओगे तो कहो डॉक्टर ही ना बैठा हो, ठीक है, वो घर पे हो, या शहर में कोई जाके ट्रीटमेंट करा रहा हो। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि COVID-19 की फाइट गांव में नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी पंचायत हैं जहां के जो सरपंच हैं वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव है COVID-19 की फाइट की तरफ। तो उन्होंने अपने गांव के बाहर ही एक जो मूवमेंट बैन लगा दिया है, वो इस बात पे बहुत ध्यान दे रहे हैं कि उनके गांव के अंदर COVID-19 का इन्फेक्शन ना आ जाए। तो हमारे जो विलेजेस हैं वो बहुत प्रोएक्टिव है COVID-19 से लड़ने के लिए। लेकिन ये बात अगर आप किसी एक अर्बन शहर के बड़े से हॉस्पिटल में बैठे डॉक्टर से बोलोगे तो वो हंसेगा, अरे ये गांव वाले क्या करेंगे, इस तरीके की चीज है। तो मतलब अर्बन इलाकों में गांव वालों की तरफ ऑलरेडी एक बायस है। कुल मिला के ये सब बातें ऑथर कह क्यों रहा है, ऑथर ये बातें इसलिए कह रहा है कि देखिए हम ओवरऑल इंडिया के लिए एक सेटिंग लेके चलते हैं बहुत सारे फील्डों में, तो एजुकेशन में भी हम ओवरऑल इंडिया के लिए एक ही सेटिंग लेके चल रहे हैं। और एजुकेशन के लिए अगर आप ओवरऑल इंडिया के लिए एक सेटिंग लेके चलोगे तो अगर मेट्रो सिटीज में स्कूल कॉलेज बंद है तो विलेजेस में भी स्कूल कॉलेज बंद होंगे। यही हो रहा है, विलेजेस में देखिए स्कूल कॉलेज बंद है। अब अगर विलेजेस में स्कूल कॉलेज बंद है तो प्रॉब्लम है। अगर इन्हीं विलेज के स्कूलों को थोड़ी ऑटोनॉमी दे दी जाती तो ये अपनी एजुकेशन को आगे ले जाते, मतलब उनकी एजुकेशन इस समय पे पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हो जाती जैसे लॉकडाउन में ब्लॉक हो गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की बात की गई है क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। अभी के लिए हम अगर देश के स्कूलों को देखें तो अप्रैल और मई में स्कूल बंद रहे लॉकडाउन की वजह से, तो एक लर्निंग लॉस हुआ है। इस लर्निंग लॉस को कंपनसेट करने के लिए ऑनलाइन टीचिंग को लाने की बात की गई।
अब अर्बन एरियाज में तो ये ऑनलाइन टीचिंग कुछ हद तक सक्सेसफुल रही, बट क्या रूरल एरियाज में सक्सेसफुल रहेगी? मुश्किल है। स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लैपटॉप्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी गांव में नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है दोस्तों। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है अपने फॉर्मेटिव स्टेजेस में, इस चाइल्ड साइकोलॉजी की एक ट्रेट होता है, ह्यूमन माइंड का एक ट्रेट होता है कि जो नेचुरल फिनोमिना चारों तरफ दिख रहा है, अगर उस नेचुरल फिनोमिना को ही ऑब्जर्व कर लिया जाए अलग अलग तरीकों से, तो ज्यादा चीजें सीखी जा सकती हैं। और इस नेचुरल फिनोमिना को ऑब्जर्व करने की ज्यादा अपॉर्चुनिटी जो गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास है, ना कि वो बच्चे जो शहर में पढ़ रहे हैं। कैसे? अभी बताता हूं। देश भर में मानसून चल रहा है, मानसून में बारिश होती है, मानसून के दौरान हमारी नेचर में इतनी सारी अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं कि बच्चे उनको नोटिस करके, रिकॉर्ड करके, एग्जामिन करके बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे एग्रेट्स और बड़ी बड़ी बर्ड्स वेट पैडी फील्ड्स में आके रुकती हैं, खाना ढूंढती हैं, उनके अलग अलग पोस्चर्स को आप देख के चीजें सीख सकते हो। जो एंट्स हैं वो सबटेरेनियन होम्स में, सबटेरेनियन होम्स आप ये समझ लीजिए कि वो जो बहुत ज्यादा पक्के घर नहीं है, वहां से जमीन के बीच से एंट्स बाहर निकल के आती हैं अगर वहां पे नीचे की तरफ रेन वाटर भर गया। इसी सीजन में बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हुई नजर आती हैं, प्लांट्स और ट्रीज अलग तरीके से ग्रो करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक गांव में जो बच्चा पढ़ रहा है ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइंस के बारे में, अगर उसे सीखना है तो उसको स्कूल एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ना ही उसे किसी स्मार्टफोन या टैबलेट की जरूरत है, वो सिर्फ नेचुरल फिनोमिना को देख के सीख सकता है। सिटी में ये नेचुरल फिनोमिना उतनी अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा। मुंबई, दिल्ली जैसी सिटीज जो अर्बन हीट आइलैंड बन गई हैं, चारों तरफ बिल्डिंगे ही बिल्डिंगे, कॉन्क्रीट ही कॉन्क्रीट नजर आता है यहाँ पे, उसके कंपेरिजन में जो बच्चा गाँव में पढ़ रहा है वो ज्यादा सीख सकता है। लेकिन ये तब होगा जब आप उस गाँव के विलेज टीचर्स को ये आजादी देंगे, ये ऑटोनॉमी देंगे कि हाँ भाई, वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ा रखें। और उस सहूलियत में क्या हो सकता है कि हाँ भाई, एक छोटा बैच लगा दिया, एक छोटी क्लास लगा दी। जिस गांव में कोविड 19 की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे जो पंच है उन्होंने आपस में थोड़ी बहुत बातचीत करी और ये बोला कि हाँ भाई, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 10 बच्चों को आज के दिन, 10 बच्चों को अगले दिन, या 5 बच्चों को आज के दिन, 5 बच्चों को अगले दिन, 5 बच्चों को सुबह या 5 बच्चों को शाम को, इस तरीके से करके बुलाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अभी के लिए क्या हो रहा है, अर्बन इलाकों में स्कूल बंद है, रूरल इलाकों में भी स्कूल बंद कर दिए, कोई ऑटोनॉमी है ही नहीं। जैसे आप अर्बन इलाके के स्कूलों को ट्रीटमेंट देते हो, वैसे आप रूरल इलाके के स्कूलों को ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग, ये बता रहा है यहाँ पे ऑथर। एंड में ऑथर बस यही बोल रहा है कि अगर आपको फाउंडेशनल न्यूमेरेसी और लिटरेसी को प्रमोट करना है तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन आया कैसे, उस ऑब्जर्वेशन का रिफ्लेक्शन, इस चीज को समझना जरूरी है। तो न्यूमरेसी और लिटरेसी का बेस है ऑब्जर्वेशन, और ये ऑब्जर्वेशन किसी भी तरीके की क्लास का मोहताज नहीं है, किसी भी तरीके के ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस का मोहताज नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के ऑब्जर्वेशंस को प्रमोट करना है तो आपको ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। साथ साथ मैथमेटिक्स इंसान तब समझता है जब उसको किसी दूसरी चीज में इंटरेस्ट आता है और वो दूसरी चीज को काउंट करना चाहता है या उससे रिलेटेड फैसेट्स को एनालाइज करना चाहता है, और एनालाइज करने के लिए फिर उसको मैथमेटिक्स सीखनी पड़ेगी। उसी तरीके से राइटिंग और रीडिंग है। अगर किसी चीज के बारे में आप जान गए हो, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो उसके बारे में आप पढ़ने में इंटरेस्टेड रहोगे, उसके बारे में आप लिखने में इंटरेस्टेड रहोगे, तो आप रीडिंग और राइटिंग में आपकी इंप्रूव होगी, मैथमेटिक्स इंप्रूव होगी। तो हर चीज शुरू कहां से हो रही है, ऑब्जर्वेशन से। और ये ऑब्जर्वेशन हम प्रमोट कर सकते थे इस कोविड-19 के पैंडमिक के दौरान, बट हमने अपने फ्रैक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम के चक्कर में इस अपॉर्चुनिटी को गंवा दिया। आगे चलते हैं। द चैलेंजेस इन काउंटिंग द डेट। इंडिया मस्ट इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन इनोवेशन फ्रॉम इंप्रूविंग डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग। देखिए भैया, कोविड-19 बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, बहुत ही ज्यादा इंफेक्शियस है, तो कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकना तो भाई देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आप कोविड-19 के डेथ रेट को कंपेयर करोगे तो डेथ रेट उसका कम है। ग्लोबली देखा जाए तो कोविड-19 जितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जो डेथ रेट है वो 2% आ रहा है। सार्स में 9% था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम डिजीज में 34.4% था, इन्फ्लुएंजिया में ये लमसम 0.1% था। लेकिन कितने लोग एक्चुअली में मर रहे हैं, इस डेथ को काउंट करना एक चैलेंज निकल के आ रहा है। खासकर ये चैलेंज इंडिया में निकल के आ रहा है। इंडिया का जो डेथ रिपोर्टिंग सिनारियो है वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा चैलेंज्ड है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा फ्लॉड है, गलत कह लीजिए, ठीक है। उसमें से कोविड-19 की डेथ को काउंट करना वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू है। देखते हैं कैसे।
यहां दो तरीके के रेट्स की बात की गई, एक है आपका केस फैटेलिटी रेट। अगर डेथ रेट को आपको एस्टिमेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इस न्यूमरेटर में आप क्या रखोगे, न्यूमरेटर में रखोगे वो लोग जो मरे हैं, द टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, और डिनोमिनेटर में आप क्या रखोगे, रिपोर्टेड केसेस, कितने लोगों को कोविड 19 हो गया, तो जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस है उसको आपने रखा डिनोमिनेटर में, कितने लोग मर गए इसको रखा आपने न्यूमरेटर में। और ये दोनों बहुत मुश्किल है निकालना दोस्तों, दोनों मुश्किल क्यों है, सबसे पहले डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ डेथ्स फ्रॉम द हॉस्पिटल, उसके बाद इनकम्प्लीट एंड इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ कोविड 19 रिलेटेड डेथ्स। तो भैया कोविड 19 से रिलेटेड डेथ कितनी हुई इसकी रिपोर्टिंग सही नहीं है। 2 से 3 दिन पहले दोस्तों एक बहुत अच्छा एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था जहां पे ये फ्लॉज बताए गए थे कि कोविड 19 की जो रिपोर्टिंग है वो इंडिया में कैसे गलत हो रही है। ओके, मेडिकली सर्टिफाइड कॉज ऑफ डेथ, ये उस आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था अगर आपको याद हो तो। ओके, तो यहां पे जो केस फैटिलिटी रेट है जो कि एक बहुत अच्छा पैरामीटर है, बट ये पैरामीटर अच्छा तब होगा जब रिकॉर्डेड केसेस हमें पूरे पता हो और एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेथ्स हमको पता हो, और हमको दोनों नहीं पता है, एक चीज ये हो गई। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हमको क्यों नहीं पता है, अगर इसके बारे में आपको कुछ पॉइंट्स पता करने हो तो देखिए दोस्तों, अभी के लिए हमारे देश में जो डेथ की रिपोर्टिंग है उसमें एक सैड सीन है। सैड सीन क्या है, ओनली 86% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया रिपोर्टेड। 2009 में जितनी डेथ्स होती थी ओनली 66.9% पर रिपोर्टेड, अभी के लिए ओनली 86% ऑफ द डेथ्स इन इंडिया आर रिपोर्टेड। ओके, यानी कुल मिला के कोविड 19 के क्राइसिस से पहले ही 86% डेथ्स रिपोर्ट हो रही थी, 14% डेथ्स तो रिपोर्ट ही नहीं हो रही थी, और अभी के डेट में कोविड 19 की क्राइसिस आ गई। तो जब हमारे यहां नॉर्मल केसेस में जो डेथ हो रही थी उन्हीं को हम नहीं पता कर पा रहे थे कितनी हो रही है, तो कोविड 19 की क्राइसिस के बाद की डेथ को पता करना और चैलेंजिंग टास्क हो गया है। क्यों, क्योंकि आदमी ऑब्वियसली बात है एक डेड पर्सन के पास हो, या वो पर्सन जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स उसके पास जाने में डर रहा है, चेकिंग करने में डर रहा है, तो अगर कोई इंसान की मृत्यु हो गई तो ये चेक ही नहीं करते हैं कि भाई इसको कोविड 19 था कि नहीं था, बहुत कम जगहों पर टेस्ट हो रहा है। अच्छा, अलग अलग स्टेट्स अपने हिसाब से चीजों को डील कर रहे हैं, तो केस फैटिलिटी रेट तो काम कर नहीं रहा। तो एक और फैटिलिटी रेट निकल गया है, इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट। इन्फेक्शन फैटिलिटी रेट में भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर वही होगा जो पहले था, नंबर ऑफ डेथ्स रिपोर्टेड। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में वो जनता आएगी जो कहीं ना कहीं कोविड 19 से अफेक्ट हुई है। अब सवाल ये उठता है कि वो जनता आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए सेरो प्रेवलेंस स्टडीज कराई जाती है दोस्तों। सेरो प्रेवलेंस स्टडीज के बारे में अगर आपने सुना हो, देखिए क्या होता है, एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मुंबई का जो धारावी स्लम है, उस धारावी स्लम्स में बहुत सारी सेरो प्रेवलेंस एस्टिमेट कराए गए। सेरो प्रेवलेंस एस्टिमेट में लोग वहां पे गए, उन्होंने लोगों के ब्लड सैंपल्स लिए और उस ब्लड सैंपल में ढूंढा कि भाई कितने लोगों के ब्लड सैंपल में कोविड 19 के एंटीबॉडीज आई हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कोविड 19 हुआ, बहुत सारे वो हुए जो बहुत माइल्ड तौर पे कोविड 19 से अफेक्ट हुए और उनका कोविड 19 मर गया उनके इम्यून सिस्टम से। लेकिन अगर उनके इम्यून सिस्टम से कोविड 19 मरा है तो उनके ब्लड में एंटीबॉडीज होंगी, और अगर वो एंटीबॉडीज मिली है तो मतलब कहीं ना कहीं वो आदमी कोविड 19 से अफेक्ट हुआ था। तो जब सेरो प्रेवलेंस स्टडीज कराई जाएंगी उससे बड़ा एस्टिमेट निकल के आएगा उन लोगों का जो इनको एक्चुअली नंबर ऑफ इन्फेक्शन थे, यानी जो एक्चुअली में कोविड 19 सफर कर रहे थे, यानी ये जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा ये बढ़ जाएगा। तो इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट में केस फर्टिलिटी रेट से ज्यादा लोग अफेक्ट माने जाएंगे, मतलब केस फर्टिलिटी रेट में आपने जो भी टेस्टिंग करी उस टेस्टिंग के बेसिस पे जिन लोगों को कोविड 19 हुआ उनको आपने डिनोमिनेटर में रखा, इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट में उन लोगों को तो रखा ही रखा, साथ में बहुत सारी जगहों पे सेरो प्रेवलेंस स्टडीज कराई, और सेवरो प्रेवलेंस स्टडीज के बेसिस पे आपने एक सैंपल तैयार किया और उस सैंपल से आपने एस्टिमेट किया कि हाँ भाई इतने लोगों को हो सकता है कोविड 19 हुआ हो एट वन पॉइंट और द अदर। अब देखिए ये जो सेवरो प्रेवलेंस स्टडीज है दोस्तों, ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल कैसे है ये मैं आपको बताता हूं। बहुत हद तक इस बात पे चीजें डिपेंड करती हैं कि सेरो प्रेवलेंस स्टडीज को कितना एफिशिएंट तरीके से कराया गया, कितना मैसिव स्केल पे कराया गया, और जो पर्सनल इन्वॉल्व था सेरो प्रेवलेंस स्टडीज को करने में वो कितना सीरियस था अपने जॉब की तरफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में सेरो प्रेवलेंस स्टडीज करा रहे हो तो कौन से पॉकेट्स में करा रहे हो, क्या डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स में करा रहे हो या फिर कम डेंसली पॉपुलेटेड पॉकेट्स में करा रहे हो, किस लेवल पे करा रहे हो। अब अगर आपने मुंबई की जनता मान लीजिए 1 करोड़ है और आपने केवल 5,000 लोगों पर सेरो प्रेवलेंस स्टडीज की, तो इस 5,000 के सैंपल पे आप 1 करोड़ के लिए एस्टिमेशन नहीं कर सकते।
तो भाई इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट भी पूरी तरीके से एफिशिएंट है या नहीं है ये हमें पता नहीं। तो भाई दो तरीके के फर्टिलिटी रेट देखे हमने, एक केस फर्टिलिटी रेट देखा, एक इन्फेक्शन फर्टिलिटी रेट देखा। अगर ये दोनों फर्टिलिटी रेट काम नहीं कर रहे तो हम करें तो करें क्या, हम एक काम कर सकते हैं। पहले जो नॉर्मल डेथ्स हो रही थी, जो बेस लाइन डेथ्स हो रही थी, यानी कोविड से पहले जो डेथ की रिपोर्टिंग थी, उस डेथ की रिपोर्टिंग के ऊपर जितनी डेथ्स हो रही हैं हम उनको कैलकुलेट कर लें तो उससे हमें कोविड का फिगर पता चल जाएगा। लेकिन यहां पे फ्लॉ है, जैसा कि मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया कोविड से पहले ही हमारे देश में केवल 86% डेथ्स की रिपोर्टिंग है, सारी डेथ्स की रिपोर्टिंग है ही नहीं हमारे यहाँ। तो जब हमारे यहाँ पूरी डेथ्स की रिपोर्टिंग है ही नहीं तो एक बेस लाइन को फिक्स कर पाना पॉसिबल ही नहीं हमारे लिए, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली में कितने लोग मर रहे हैं। क्रूड मॉर्टेलिटी रेट की बात की जाए अगर, तो देखिए एनुअल क्रूड डेथ रेट है इंडिया में 100% पे 0.73। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से पता चला है 2020 में COVID-19 की वजह से जो क्रूड डेथ रेट निकल के आया है वो है 0.028 पर 100%, जो कि दिल्ली में हो जाता है, पूरे देश में इतना है, दिल्ली में हो जाता है 0.21, महाराष्ट्र तमिलनाडु में भी ज्यादा है, दिल्ली के आसपास है, लेकिन पूरे देश में कितना है 0.028। तो ये भी कुछ स्टडीज के बेसिस पे कहा गया है। तो कुल मिला के यहाँ पे चैलेंजेस बताए गए कि हमें डेथ रेट को नापने में प्रॉब्लम क्या हो रही है, उसको मेजर करने में प्रॉब्लम क्या हो रही है। दुनिया भर की जो नेशनल कैपिटल्स है ना, जहां पे 1 लाख से ज्यादा COVID-19 के केसेस, जब उनकी डेथ पर मिलियन निकाला गया तो ये डाटा निकल के सामने आया। कुछ हद तक आप इस डाटे को इस फिगर से रिलेट कर पा रहे होगे जो फिगर है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 65 ईयर। जहां पे परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन अबाउट 65 ईयर ज्यादा है वहां पे जो डेथ पर मिलियन है वो भी थोड़ी ज्यादा है। जैसे मैड्रिड में देख लीजिए 1269, सेंटियागो में 1133, वॉशिंगटन डीसी में 840, इंडिया में फिगर निकल के आ रहा 244। ये बोला जा रहा है इंडिया के जो फिगर है 244 ये ज्यादा है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स को अंडर रिपोर्ट किया गया है। ओके, तो ये था इस आर्टिकल का सार, आगे चलते हैं। राइट बाय बर्थ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन कोपरसेनरी राइट्स ऑन वुमेन इज इन लाइन विद द एम ऑफ एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोला जा रहा है देखिए, यहां पे आपको समझना पड़ेगा जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का। सबसे पहले तो कोपर सेनरी का मीनिंग देखते हैं। अ स्पेशल काइंड ऑफ ज्वाइंट ओनरशिप अराइजिंग स्पेशली अंडर कॉमन लॉ अपॉन द डिसेंट ऑफ रियल प्रॉपर्टी टू सेवरल फीमेल हेयर्स। कुल मिला के बात यह है कि अगर पिताजी की मौत होती है तो पिताजी के बहुत से बच्चे होंगे। पहले हिंदू सक्सेशन लॉ था 1956, उसमें केवल सन के पास प्रॉपर्टी जारी थी, डॉटर के पास कोई इनहेरेंट राइट था नहीं प्रॉपर्टी लेने का। अब यह बोला गया है कि अगर फादर की डेथ होती है तो सन और डॉटर दोनों को फादर की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा, तो इसको बोला जाएगा कोपरसेनरी राइट्स। आगे देखते हैं, अभी एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का। पूरा पहले मैं आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताता हूं, हिंदू सक्सेशन एक्ट था 1956 का। इस हिंदू सक्सेशन एक्ट में 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया और यह बोला गया कि जो बेटियां हैं उन बेटियों को भी बाप के प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई दोस्तों यहां पे। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2005 में यह अमेंडमेंट किया, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया, तो ये जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में जो अमेंडमेंट हुआ था 2005 में पार्लियामेंट ने इसको इनएक्ट किया। इस अमेंडमेंट में देखिए हुआ क्या, इस अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था राज्यसभा में 20 दिसंबर 2004 को, ये इफेक्ट में आया 9 सितंबर 2005 को। इसमें एक चीज बोली गई कि मिताक्षर लॉ के अंदर जो भी डॉटर को प्रॉपर्टी मिलेगी, इसमें जो केसेस पहले सेटल्ड हो चुके हैं, यानी कि जो मैंने आपको एक डेट बताई ना 20 दिसंबर 2004, 20 दिसंबर 2004 से पहले जो भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है बच्चों के अंदर, बच्चों के बीच में, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। यानी समझिए 20 दिसंबर 2004 को यह केस राज्यसभा में आया, 9 सितंबर 2005 को यह पास हो गया और बोला गया कि बाप की प्रॉपर्टी में बेटे और डॉटर दोनों को हक मिलेगा। लेकिन जब यह अमेंडमेंट लेके आया गया था 20 दिसंबर 2004, उससे पहले जो भी प्रॉपर्टी सन और डॉटर्स के बीच में बांटी गई है उन प्रॉपर्टीज का डिस्पोजिशन हो चुका है, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। तो कुल इलाके इसका मैनिफेस्टेशन क्या निकला, मैनिफेस्टेशन ये निकला कि भाई देखिए अगर 9 सितंबर 2005 को अगर फादर जिंदा है, तो अगर 9 सितंबर 2005 को फादर जिंदा है तो उसके बाद इस बेसिस पे डॉटर्स जाके बोल सकती हैं कि भाई हमें हमारे फादर्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा दीजिए। अगर 9 सितंबर 2005 से पहले फादर की मृत्यु हो गई है तो
ज्यादातर केसेस में प्रॉपर्टी बेटे के पास चली जा रही थी, डॉटर के पास नहीं जा रही थी। ये प्रॉब्लम हो रही थी इस 2005 वाले अमेंडमेंट से। सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, अभी अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए ये जो कोपर्सनरी राइट है ये उसी दिन इफेक्ट में आ जाते हैं जब एक बच्चे का जन्म होता है। देखिए, द एपेक्स कोर्ट हैज नाउ कैटेगोरिकली रूल्ड दैट द डॉटर्स राइट फ्लोज फ्रॉम देयर बर्थ एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर सच एज द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर फादर। यानी कि 2005 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यह समझा गया कि 9 सितंबर 2005 को जिसके फादर जिंदा हैं उन्हीं के इसमें बेटियां अपनी प्रॉपर्टी ले सकती हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, मिथक्षर लॉ के अंदर बेटी के जन्म के समय से ही उसका अपनी फादर की प्रॉपर्टी पे हक है, तो भले ही 9 सितंबर 2005 को फादर जिंदा हो ना हो, अगर वो जन्मी है अपने फादर के पास तो उसका उसकी फादर की प्रॉपर्टी पे हक निकल के आता है। ये बात बोली गई। अब यहां पे हमको हिंदू सक्सेशन के लॉ भी समझने पड़ेंगे। दो स्कूल्स हैं, मिथक्षर और दयाभाग। जो मिथक्षर स्कूल ऑफ सक्सेशन है पूरे इंडिया में फॉलो होता है, बंगाल आसाम को छोड़ के। बेसिक डिफरेंसेस क्या है दोस्तों? दयाभाग स्कूल में फादर इज सुई जनरिस इन कोपर्सनरी एंड नो राइट्स एग्जिस्ट फॉर सन टिल ही इज अलाइव, वेयर इज इन मिथक्षर द शेयर्स एग्जिस्ट एज सून एज द सन इज बॉर्न एंड द सन हैज बर्थ राइट इन फादर्स प्रॉपर्टी। कुल मिला क्या बोला गया? मिथक्षर लॉ के अंदर जैसे ही एक पिता का कोई बच्चा पैदा होता है उस बच्चे का हक बन जाता है पिता की प्रॉपर्टी। ये बात बोली गई है। और यहां पे अब इस सन में डॉटर्स भी आ गए। तो हिंदू जो सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट था 2005 में उसमें सन के साथ डॉटर्स भी आ गए। मिथक्षर के अंदर जो डॉटर है वो भी बाप की प्रॉपर्टी ले सकती है और पैदा होते ही उनका बाप की प्रॉपर्टी पे हक आता है। ओके, तो ये दो स्कूल्स काम करते हैं। अभी का जो डिसीजन आया है वो मिथक्षर स्कूल को एसेस करते हुए आया है और साफ साफ ये बोला गया है कि भाई 9 सितंबर 2005 से भी पहले अगर फादर की मृत्यु हो गई है तब भी डॉटर का हक बनता है फादर की प्रॉपर्टी पर। तो यानी अगर सन ने हर प्रॉपर्टी हड़प ली है और अगर डॉटर को बहन को लगता है कि नहीं भाई मेरे भाई ने प्रॉपर्टी हड़प ली मुझे चाहिए, तो बहन कोर्ट में जाके उस प्रॉपर्टी को लीगली मान सकती है, क्योंकि वो भी बेटी थी अपने फादर की, उसे भी वो प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। अच्छा, एक और बात है, 9 सितंबर 2005 को ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ। इसके बाद बहुत सारी लड़कियों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया कि भाई मुझे अपने फादर की प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो 9 सितंबर 2005 को फादर जिंदा रहना चाहिए, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कभी कभी सन के फेवर में रूलिंग दी है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस है प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई 9 सितंबर 2005 से पहले अगर फादर की मृत्यु हो चुकी है तो, और अगर प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो चुकी है तो सन के पास ही रहेगी, डॉटर के पास नहीं आएगी। अब ये चीज हट चुकी है, तो ये जो जजमेंट था प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस स्कूल भी थी, ये भी अब नल एंड वॉइड हो गया है। अच्छा, इस आर्टिकल में और भी बहुत से रेफरेंसेस दिए गए कि कुछ इस तरीके से जो सक्सेशन लॉज है वो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स ने ऑलरेडी इनेक्ट कर दिए हैं, बट कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था समझना, वो मैंने आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, हिस्टोरिक रेटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। The universal ratification of a labor standard is cause for celebration and reflection. ये जो है आपका किंगडम ऑफ टोंगा, कहां पड़ता है ये? ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशन, शुरुआत में मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा चुका हूं, ये रहा टोंगा। ओके, साउथ पैसिफिक ओशन में ये टोंगा आता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो भाई किंगडम ऑफ टोंगा ने फाइनली ये जो आपका कन्वेंशन है 182 इसको रेटिफाई कर दिया है। तो अब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 101 साल की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कोई कन्वेंशन निकल के आया है जिसने पूरी तरीके जिसको पूरी तरीके से रेटिफाई किया गया। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबने इस कन्वेंशन 182 को रेटिफाई किया। अब मैं यहां पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं समझा रहा हूं, वो मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की अलग से वीडियो में समझाऊंगा। मुझे नीचे कमेंट बैक सेक्शन में बताइए ILO की कितनी मेंबर कंट्रीज है। कन्वेंशन 182 की बात करें, इसको 1999 की एनुअल इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट किया गया था। क्या करता है? Prohibits the sexual exploitation of children, trafficking, deployment in armed conflict and other conditions that compromise their overall well-being. इसको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, मेंस में कोट करने में काम आ सकता है। ये कन्वेंशन एक और कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको बोला गया 1973 मिनिमम एज कन्वेंशन को कॉम्प्लीमेंट करता है, जिसमें यह बोला गया कि भैया अगर बच्चे की एज एक लिमिट से कम है तो उसको कुछ तरीके के ऑक्यूपेशन में नहीं लगाया जाएगा। लेकिन भले ही ये कन्वेंशन पास हो गया दोस्तों, अभी भी हमारे सामने ये जो चाइल्ड लेबर है दुनिया भर में, ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम की तरह हमारे सामने खड़ा हुआ है।
अभी भी ये पूरी तरीके से रिजॉल्व नहीं हुआ है। दुनिया भर में 15 करोड़ से ज्यादा बच्चे चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, 7 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैजार्डस वर्क में हैं। ग्लोबल एफर्ट्स की जरूरत है अगर हमको 2025 तक चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करना है। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने कन्वेंशन 182 को 2017 में ही रेटिफाई कर दिया था और कन्वेंशन 138 को भी 2017 में रेटिफाई किया था। कन्वेंशन 138 क्या बोलता है? मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट। कन्वेंशन 182 क्या बोलता है? पेनलाइजेस एंड प्रोहिबिट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। कन्वेंशन 182 क्या है, कन्वेंशन 138 क्या है, मिनिमम एज कन्वेंशन, इन सबको अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। वैसे तो जब भी मैं आपको इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, इन कन्वेंशन के बारे में ही बताऊंगा। पहले की वीडियोस में भी मैंने इन कन्वेंशन के बारे में बात की थी। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या बनता है, कन्वेंशन 182 को 138 को इंडिया रेटिफाई कर चुका है। रिसेंटली किंगडम ऑफ टोंगा ने कन्वेंशन 182 को रेटिफाई किया है। ये पहला ऐसा कन्वेंशन बन गया है जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला है ILO में। भाई पीसीएस के जो वन लाइनर सवाल होते हैं इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है। और हमारा फाइनल आर्टिकल आज का देखिए, यहां पे इंडियन अमेरिकन लीडर्स की बात की जा रही है और इंडियन अमेरिकन लीडर्स की बात करेंगे तो दो तीन नाम यहाँ पे फेमस है। एक तो कमला हैरिस जी हैं जो भैया अभी वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है, एक प्रमिला जयपाल जी हैं, कुमार बर्वे हैं। ये भाई यूएस में काफी ऊंची पोस्ट पे हैं, काफी ऊंचे पायदान पे हैं यूएस पॉलिटिक्स में और अपने रेस कार्ड के दम पे ये ऊपर उठ रहे हैं। तो अफ्रीकन अमेरिकन लीडर्स, इंडियन अमेरिकन लीडर्स अपने रेस कार्ड के दम पे ऊपर उठ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली कमला हैरिस जी की अगर बात करें, ये कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक सेनेटर हैं, वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी है। अब इनका बाई रेशियल बैकग्राउंड है, मतलब इनके जो फादर थे, इनके फादर जमैका से आए थे यूएस में पढ़ने के लिए, स्टैनफोर्ड इकोनॉमिक्स प्रोफेसर थे। इनकी जो माताजी थी वो कैंसर रिसर्चर थी। तो यहां पे जो यूएस के जो हार्डलाइन एलिमेंट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा आप रेशियल कार्ड को सिग्निफिकेंस क्यों दे रहे हो, क्योंकि जो कमला हैरिस है ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई रेशियलिज्म झेला है वहां पे, इन्होंने बहुत अच्छी जिंदगी जी है। इनके फादर स्टैनफोर्ड में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, इनकी माताजी रिसर्चर थी, कैंसर रिसर्चर। तो भैया एक अच्छी जिंदगी जी है कमला हैरिस ने, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्होंने रेशियलिज्म को झेला है कि इनको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि एक पॉइंट ये यूएसए में बन रहा है, दूसरा पॉइंट इंडिया में क्या बन रहा है। इंडिया में कुछ लोग अगर ये सोच सकते हैं कि जो कमला हैरिस हैं, जो प्रमिला जयपाल हैं, जो इंडियन ओरिजिन के हैं, ये अगर पॉलिटिक्स में ऊपर जाएंगे इंडिया की तो ये इंडिया को सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा है नहीं। 2019 में जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, ये यूएसए गए थे और उस दौरान एक मीटिंग थी कांग्रेस के साथ। उस कांग्रेस की मीटिंग में एस जयशंकर साहब को पार्टिसिपेट करना था, बातचीत करनी थी। वहां पे जो प्रमिला जयपाल थी वो भी आ रही थी। जयशंकर जी ने बोला ये जो प्रमिला जयपाल है अगर ये मीटिंग में आएंगी तो मैं मीटिंग को बॉयकॉट कर दूंगा। रीजन क्या है? क्योंकि प्रमिला जयपाल जी कश्मीर इशू को लेके और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके बहुत ज्यादा वोकल रही है। इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास किया, कश्मीर इशू को पास किया, इसको लेके प्रमिला जयपाल और जो दूसरे डेमोक्रेटिक सेनेटर्स हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो इंडियन अमेरिकन है ओरिजिन में, बहुत ज्यादा वोकल रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। तो एस जयशंकर साहब का और हमारी जो रूलिंग पार्टी उसका सिंपल स्टैंड है कि भैया ये हमारे देश का इंटरनल मैटर है, अगर कोई उंगली उठाएगा तो हमारे देश के लोग उंगली उठाएंगे, तुम कौन उंगली उठाने वाले, तुम एक आउटसाइडर कंट्री हो, तुम्हारे इंटरनल रिलेशंस में हम उंगली नहीं उठाते हैं तो तुम हमारे इंटरनल रिलेशंस में उंगली नहीं उठाओगे। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे अगर प्रोटेस्ट होना तो इंडिया में होगा, इंडिया के लोग करेंगे, इंडिया के लोग क्रिटिसाइज करेंगे, कर भी रहे हैं, वो कर सकते हैं भाई, वो उनको हक है, पर बाहर के देश क्यों कर रहे हैं, इस बात पे बहुत उंगली है। तो एस जयशंकर साहब ने इस मीटिंग को 2019 में बॉयकॉट कर दिया। इसके अगेंस्ट में कमला हैरिस ने प्रमिला जयपाल जी के साथ सहानुभूति जताई और बोला कि एस जयशंकर साहब को यह हक नहीं है कि वो डिसाइड करेंगे कि कांग्रेस की मीटिंग में कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। कांग्रेस की मीटिंग में सब आ सकते हैं, जितने भी सेनेटर्स हैं सब आ सकते हैं। तो एस जयशंकर साहब ने जो मीटिंग को कैंसिल किया है ये बोल के कि प्रमिला जयपाल आएंगे तो मैं नहीं आऊंगा, ये गलत है। एस जयशंकर हमको ये नहीं बताएंगे कि किसको मीटिंग में आना है और किसको नहीं आना है। तो फिर यही बात इंडिया वाले भी बोल सकते हैं कि तुम हमको ये नहीं बताओगे कि हमको देश में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो किन मिला के जो कमला हैरिस का जो स्टांस है इंडिया की तरफ थोड़ा सा फेवर में नहीं हो सकता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेके और कश्मीर इशू को लेके ये जो आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएसए की, ये वोकल रहने वाली है अगर जो बाइडेन और कमला हैरिस जीत के आ जाते हैं इलेक्शंस में।
तो ये सब है दोस्तों इस आर्टिकल का जो सार है। फिलहाल के लिए मैं अपने न्यूज़पेपर डिस्कशन को खत्म कर रहा हूँ। वो जो यूके इंडिया की मिलिट्री वाला जो आर्टिकल था उसमें कुछ खास था नहीं, उस आर्टिकल में बस यही बोला जा रहा है कि देखिए इंडिया की आर्मी ने, इंडिया की इतनी स्ट्रांग आर्मी ने कुछ इंस्टांसेस दिए गए हैं ब्रिटेन की मदद की एक्सिस पावर्स को दबाने में, बहुत जो वेलर है इंडियन आर्मी का उसके यहाँ पे एग्जाम्पल्स को सेटअप किया गया है, बट अपने कोलोनियलिज्म के चेहरे को उन्होंने नहीं दिखाया। बट वहां पे जो बेन वैलेस है उन्होंने ये भी बोला कि देखिए इंडिया अपने आत्मनिर्भर में आगे बढ़ रहा है और यूके हर तरीके से इंडिया के साथ खड़े रहने की कोशिश करेगा। तो कुल मिला के काम भर की चीजें मैंने आपको सारी बताई दी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुले दिल के साथ कमेंट करिएगा, जितना ज्यादा आप लोग एंगेजमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा वीडियो सर्च रिजल्ट में ऊपर उठेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।